नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब आप किसी जॉब को कर रहे हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं तो अक्सर आपके वहाँ पर वाहवाही की जगह पर हमेशा बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपका मन खराब हो जाता है और आपको उस काम के करने की वाहवाही की जगह पर कभी कभी सवाल उठ जाते हैं, क्या आपने ऐसा क्यों किया। तो यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है और आपके बॉस में हमेशा खटपट होती रहती है और आपकी सफलता के परिणाम आपको नहीं मिलते हैं तो वह किस लिए होता है, जानिए इस वीडियो के दौरान। यदि आपका चंद्रमा कमजोर होता है तो उसका प्रभाव आपके मन के साथ साथ आपके कैरियर पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से कैरियर में आपके बॉस के साथ हमेशा खटपट होती रहती है और आपके बॉस आपके काम में वाहवाही की जगह पर कमियां निकालते हैं। यदि आपके काम में बहुत ज्यादा कमियां निकल रही हैं और जिसकी वजह से आपका मन खराब रहता है और आपके कार्य में मन नहीं लगता है तो उसे सही करने के लिए जरूरी है कि आप अपने चंद्रमा को मजबूत करें ताकि आपके कैरियर पर अच्छा प्रभाव पड़े और आपके लोग वाहवाही करें। यदि आप चाहते हैं अपने कार्य को और भी अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए तो जरूरी ये है कि आप अपने कार्य को देखिए। यदि आपका कार्य, यदि आप अध्यापक हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई दूध की दुकान है आपकी या फिर प्रसादन से जुड़ी हुई कोई दुकान है आपकी, तो वह आप पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जब आपका चंद्रमा कमजोर होता है। आपके कैरियर पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी दुकानें इनसे रिलेटेड है और आपका चंद्रमा कमजोर होने की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं तो अपने चंद्रमा को जरूर मजबूत कर लें ताकि अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सके। तो ये है, यदि आपके बॉस के साथ आपकी खटपट होती है तो आपका चंद्रमा जरूर कमजोर होगा। दोस्त, चंद्रमा को मजबूत कीजिए ताकि आपके लोग वाहवाही करें और प्रशंसा करें और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।